नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। भारतीय सेना देश के लिए हमेशा तैयार रहती है। दुश्मन को गिराना हो या देश के लिए कुछ करने की जरूरत हो, यही वजह है कि कोरोना काल में भी भारतीय सेना के तीनों अंग अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय सेना खाड़ी देशों में फंसे लोगों को निकालने के लिए अपनी कमर कस ली है। पूरी दुनिया के लिए कोरोना एक बड़ी समस्या बन चुकी है और इस महामारी से लाखों लोग संक्रमित हैं और लाखों लोगों की जान भी जा चुकी है, जिसके बाद हर एक देश की सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए उन्हें उन देशों से निकाल कर ला रही है। इसी बीच भारत ने भी तत्परता दिखाते हुए कई देशों में फंसे अपने लोगों को इस संकट के समय में निकाल कर लाई, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कुछ लोग दूसरे देशों में फंसे हुए हैं। उन्हीं लोगों को लाने के लिए भारतीय नौसेना तैयार है। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए लैंडिंग युद्धपोत और मगर श्रेणी के युद्धपोतों की तैयारी कर ली। INS जलाशय, विशाखापट्टनम और मगर श्रेणी के दोनों युद्धपोत कोची स्थित दक्षिणी कमान में तैनात है। इन युद्धपोतों को स्टैंड बाई पर रखा गया है और जैसे ही भारत सरकार आदेश देगी, ये अपने लोगों को खाड़ी देशों से लाने के लिए निकल पड़ेंगे। भारत सरकार ने अपने लोगों को बड़े पैमाने पर निकालने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। सरकारी सूत्रों की माने तो भारत सरकार 1500 से ज्यादा लोगों को खाड़ी देशों से निकालने के लिए कमर कस ली। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और कब भारत सरकार आदेश देती है और नेवी उन लोगों को लाने जाती है।